देख सकते हैं आप पानी में जा चुका है। सो हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया टेक गैजेट्स लेकर आता रहता हूं। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोर्ट्स कैम का अल्ट्रा एचडी कैमरा, जो कि एक वाटरप्रूफ कैमरा है। तो इसके अभी हम वाटरप्रूफिंग टेस्टिंग भी करेंगे, तो चलिए पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस, तो चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं तो चलिए अभी इसे भी खोल के देखेंगे। तो ये सब यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइस ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लग रहा है। ये इसका केस है वाटरप्रूफ वाला, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये प्लास्टिक का केस है, ग्लास का नहीं है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है ये। चलिए ये इसकी ये छुटा लेते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस मिल जाता है आपको ये वाला। चलिए अब इसको खोलते हैं, अंदर मेन अपना कैमरा बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये हमारा कैमरा आ चुका है, छोटा सा देख सकते हैं आप। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पे हमें दो बटन मिलते हैं, यहाँ पे ओके का बटन है और ये पावर का बटन है। यहाँ पे आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट मिलता है, ये आपको पता नहीं किस काम के लिए मिलता है, और ये आपको चार्जिंग के लिए मिलता है। तो गाइस चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो इसकी क्वालिटी तो काफ़ी क्लियर लग रही है। इसमें एलसीडी डिस्प्ले नहीं है, इसमें एलईडी डिस्प्ले है, तो आप देख सकते हैं तब भी काफ़ी क्लियर दिखा रहा है अपने डिस्प्ले पे भी। तो अभी इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जब तक आपको इसके फीचर दिखाते हैं। तो ये तो वीडियो मोड हो गया इसका, और इसमें आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें माइक भी है। ये वीडियो, ये कैमरा हो गया, इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये वीडियो बनाए हुए हैं। ये रेजोल्यूशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे आपको सेट करना है रेजोल्यूशन। यहाँ पर 720 मेगापिक्सल पर सेट है, इसे सही है। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं ये। तो चलिए नॉर्मल में मेन मेन्यू पे आते हैं। तो गाइस चलिए अब इसको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको एक वाईफाई वाला बटन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई बना हुआ है इस पर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे SSID वगैरह लिख के आ चुकी है। तो गाइस चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल से। तो यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, गो ट्रैक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है गो ट्रैक। फिर ये आपको ऐप ओपन करना है, तभी आपको चला के दिखाते हैं। तो ये ऐप खुल रहा है, तब तक उससे पहले आपको इसका वाईफाई कनेक्ट करना है। तो ऐसे ऐसे आईडी वगैरह दे रखी है, एक्शन कैम ये यहाँ पे आ चुका है, कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं तुरंत आ चुका है ये। अब इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं मोबाइल पे, काफ़ी क्लियर है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर क्वालिटी में आ रही है वीडियो, काफ़ी बढ़िया दिखता है। और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी अभी हम आपको सुनाएंगे। तो फिर चलिए अब आपको इसको वाटर टेस्ट भी करके देख लेते हैं, और पहले आपको इसका बाकी सारा सामान दिखाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसकी भी, देख सकते हैं सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और आप मोबाइल से भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे HD पे सेट है, इसको आप SD भी कर सकते हैं। तो ये लो क्वालिटी हो गई थोड़ी काफ़ी। चलिए वापस HD कर लेते हैं, और ये माइक ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, ये इससे आवाज़ आ रही है आपको। थोड़ा एक हो रहा है, पास में रखा है, बंद कर देते हैं। तो चलिए अब इसको अटैचमेंट्स आपको दिखाते हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस, तो हमें ये सब अटैचमेंट्स मिलते हैं इसके साथ। तो अब इसके मैनुअल में आपको देख के बताते हैं कि कैसे क्या क्या अटैचमेंट यूज होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये वाला अटैचमेंट और
ये बोल्ट्स यूज़ करके आप इसको बाइक में लगा सकते हैं, इससे आप बेल्ट में लगा सकते हैं, और इससे आप गाड़ी में अटैच कर सकते हैं। और ये हेलमेट का अटैचमेंट है, ये रखा है इसमें आ चुपकाने का, इससे आप हेलमेट पे स्टिक करके उसके बाद ये कवर लगा के आप अपना कैमरा यूज़ कर सकते हैं हेलमेट पे लगा के। और ये बेल्ट में लगाने के लिए पीछे आप देख सकते हैं, ऐसे इसमें बेल्ट डाल के आप लगा सकते हैं बेल्ट में से। और गाइस काफ़ी कुछ है इसमें, आप हर जगह अटैच कर सकते हैं इसे, काफ़ी सारी जगह पे लगा सकते हैं आप। तो ये मैनुअल रखते हैं हम, तो चलिए अब इसकी वाटर प्रूफिंग टेस्ट करते हैं। तो अब इसे पानी में डालने ले जाते हैं, पहले इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। तो यहाँ से हम इसे अनलॉक करते हैं और ये खुल गया, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। देख सकते हैं कैमरा लग चुका है, अब इसको लेके चलते हैं और इसकी वाटर प्रूफिंग टेस्ट करते हैं, पानी में डुबा डुबा के देखेंगे। सो गाइस तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि ये वाटर में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो चलिए अब इसे वाटर में डालते हैं। तो देख सकते हैं आप पानी में जा चुका है, और इसकी वीडियो क्लिप अभी हम आपको दिखा देंगे पानी में जाने के बाद वाईफाई काम नहीं कर पा रहा होगा इसका, तो अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो चलिए अच्छे से इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं सब कुछ। अभी पानी में डाल रखा है मैंने, पूरा अंदर तक ले गया हूँ मैं इसे। तो गाइस चलिए अब आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग कैसी रिकॉर्डिंग आई है। सो गाइस तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।